उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में 19 जून को जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने स्थानीय राही पर्यटन गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जनपद रायबरेली के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने पर्यटन गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण MLC दिनेश प्रताप सिंह व हरचंद्रपुर विधायक राकेश प्रताप सिंह उनकी हत्या किए जाने के लिए प्रांत के बदमाश MLC रायबरेली ने बुलवाए हैं। यादव ने उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायती पत्र देकर अपनी सुरक्षा किए जाने की प्रार्थना की है। यादव ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि दिनेश प्रताप सिंह और विधायक राकेश प्रताप सिंह हत्या की साजिश रच रहे हैं। स्थानीय बदमाश उनकी दिनचर्या पर बराबर नजर रख रहे हैं। बाहरी बदमाशों को पैसा देकर वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं। यादव ने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जिन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है वह MLC रायबरेली के षड्यंत्र में शामिल है। यादव ने इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी शासन प्रशासन से जालमान की सुरक्षा हेतु गुहार लगाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोप लगा, क्या आरोप है, क्या है मांग आपकी? भैया पिछली बार हमने 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगाया था कि वो लोग राजनीतिक लड़ाई को दुश्मनी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हथियारों की लड़ाई बना ली है। हम उस समय भी ये बात कहे थे कि हमको फोन पे धमकियां मिल रही हैं और हमारे आगे पीछे गाड़ियां लगाई जा रही हैं, जो कि पिछले 14 तारीख को जो हंगामा हुआ, जो हमला हुआ है रायबरेली से पछरावा के दौरान, जो हिंसात्मक घटना हम लोगों के साथ घटी, तो इससे प्रूफ हो गया। अब हम आपको दोबारा से अवगत करा रहे हैं कि उस साजिश में ये लोग हत्या करना चाहते थे, लेकिन कौन लोग, नाम? MLC दिनेश प्रताप सिंह और राकेश प्रताप सिंह, विधायक हरचंद्रपुर, इन दोनों लोगों ने उस दौरान ये तैयारी कर रखी थी कि घटना में अगर वीरेंद्र यादव से मुलाकात होती है, इनको ढूंढ के आप लोगों को वहीं पे मारना पीटना है, मार डालना है, जो भी इनका प्लान रहा हो, तो ये लोग वहाँ पे नज़दीक नहीं पहुँच पाए। किसी कारणवश गाड़ियाँ वहाँ से हम लोगों की निकल गई थी, ये लोग ढूंढ नहीं पाए या मिल नहीं पाए, जो भी परिस्थितियाँ रही। वहाँ बचने के बाद इसी दौरान से लगातार गाड़ियाँ आगे पीछे हो रही हैं। हमने अपने थाना बदोतर में फिर से अवगत कराया कि हमारे घर के बाहर अक्सर गाड़ियाँ आके रुकती हैं, ब्लैक शीशे की, बिना नंबर की। इन्हीं लोगों की गाड़ियाँ जो नंबर नहीं डाल रखे हैं, जिन्होंने ब्लैक फिल्म लगा रखी है गाड़ी पे, जिससे अंदर दिखता नहीं, कोई है नहीं है, कितने लोग हैं पता नहीं, कुछ दिखता ही नहीं अंदर। हमने इस बात की सूचना इसकी रायबरेली को भी दी, अपने थाने में की, मतलब पुलिस प्रशासन को बराबर इस बात से अवगत कराते रहे कि ये लोग ब्लैक फिल्म लगा के गाड़ियों से घूमते हैं, इनके पास खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं, जिनसे हम लोग पूरी तरह से असुरक्षित हैं। हमें पता ही नहीं अंदर कौन बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, तो अचानक ऐसे में इन परिस्थितियों में कभी भी हमला हो सकता है, जो इन लोगों का उद्देश्य है। इन्हीं लोगों के नज़दीक से हमें ये भी जानकारी हुई कि जनपद सुल्तानपुर, जौनपुर और मध्य प्रदेश से 3 बाहरी बदमाश बुलाए गए हैं, जिनको पैसे दे के बुलाया गया है, जिनको स्थानीय इनामिया बदमाश, जिनको आपकी मीडिया ने, पेपर ने छापा था कि रायबरेली के 10 इनामिया बदमाश, अभी जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है, वही इनामिया बदमाश इन लोगों को लोकल मदद करते हैं, हम लोगों का चलना, घूमना, मिलना जुलना, ये सब तौर तरीका बताते हैं कि इस कदर यहाँ पे आसानी से ऐसे मारा जा सकता है, प्लान में शामिल है। और इसका इस षड्यंत्र के मास्टर माइंड है राकेश प्रताप सिंह, विधायक हरचंद्रपुर, और दिनेश प्रताप सिंह, यूनिवर्सिटी रायबरेली, इन दोनों लोगों को, ये दोनों लोग मिलकर षड्यंत्र बना रहे हैं और इन बाहरी बदमाशों को बुला के इन लोकल इनामिया बदमाशों की मदद से हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिस वजह से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और चाहते हैं कि आप ये बात हमारी मजबूती से उठाएं, ताकि पुलिस प्रशासन हम लोगों की मदद के लिए आगे आए। हम रायबरेली प्रशासन की इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 3 सिपाही सुरक्षा के तौर पर दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ये बात अवगत कराना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि आगे भी इस तरह की कोई घटना हो तो आप लोगों के माध्यम से समाज में, पुलिस प्रशासन को जानकारी में रहे। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ MLC दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई राकेश प्रताप सिंह व लोकल के इनामिया बदमाश, ये सब जो षड्यंत्र में शामिल है। तो बार बार मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसे न्याय मिले, सुरक्षा मिले। आज किसी को आपने ज्ञापन अपन दिया राज्यपाल जी? रजिस्ट्री के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और SP साहब को मिल गए। पूरा प्लान इनका हत्या कराना, फर्जी मुकदमे में फंसाना, इनका एकमात्र उद्देश्य आज वर्तमान समय में रह गया है।
तो हम बस आप लोगों के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम पे किसी तरीके का कोई नुकसान होता है, हमला होता है या मुकदमा फर्जी लगाया जाता है तो इसके केवल जिम्मेदार MLC और उनके भाई MLC दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई राकेश सिंह विधायक हरचंदपुर। कारण इसके दो हैं, एक तो ये देख रहे हैं कि जिला पंचायत को लेके हम लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग इसको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जिला पंचायत चुनाव को लेकर जो हमने कहा था कि इसके नेतृत्व को लेकर जो नाराजगी MLC परिवार में शुरू हुई थी उस समय हमने आरोप लगाया था, कहा था कि ये राजनीति से हट के हत्या तक की साजिश कराने से कईयों ने किसी तरीके से लालच प्रलोभन देने के बाद हत्या कराने से मारपीट लड़ाई झगड़ा फर्जी मुकदमे लगाने से कहीं ये किसी तरीके से पीछे नहीं रहे। इसी क्रम में टोल प्लाजा पे जो इनके TV1 India के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रायबरेली। प्लेन क्रैश हादसे में शहीद हुए एयरफोर्स सैनिक श्री पुताली का अंतिम संस्कार उनके गांव भौली तहसील बक्सी का तालाब में शासकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार के समय माननीय मंत्री महोदय श्री आशुतोष टंडन, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी, विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी, समाज सेवी आलोक पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे। शहीद के परिवारजनों को राज्य सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, दो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। TV1 India News के लिए आशीष दीक्षित की रिपोर्ट, लखनऊ। AN-32 विमान क्रैश में मारे गए जवान का शव घर पहुंचा, अंतिम दर्शन को उमड़े सैकड़ों लोग। बिल्लौर, इंडियन एयरफोर्स के क्रैश हुए एयरक्राफ्ट AN-32 में सवार वारंट अफसर कपिलेश मिश्रा का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बिल्लौर के उत्तरी गांव पहुंचा। वारंट अफसर कपिलेश मिश्रा के लापता होने के 18 दिन बाद उनका शव गांव में लाया गया। अफसर के पार्थिव शरीर के साथ एयरफोर्स के तमाम अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। वारंट अफसर का शव के निवास पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। वारंट अफसर कपिलेश मिश्रा का शव जिस वक्त उनके घर पहुंचा वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। TV1 India News के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट, बिल्लौर कानपुर। श्रावस्ती में 5वां विश्व योग दिवस मनाया गया। विश्व योग दिवस का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। जनपद मुख्यालय भिंगा के जूनियर हाई स्कूल मैदान में आयोजित योग शिविर में पूर्व विधायक राजा चंद्रमणि कांत के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडे, DMO PR SP आशीष श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं जिले भर में अलग अलग स्थानों पर भी योग का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। भाजपा विधायक राम पांडे ने इकोना में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। TV1 India News के लिए ददन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। पीलीभीत क्षेत्र पूरनपुर के गांव कल्याणपुर में गेहूं से भरा एक ट्रक पलट गया जो कि बंडा की तरफ से आ रहा था। वो बस को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया, अगर वो ब्रेक ना लगाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी और रोड पर आने वाले ही थे कि बस वाले ने देख लिया, मगर बस की स्पीड भी कम नहीं थी और वो बस के बचाने के चक्कर में ट्रक अचानक से पलट गया। इस पूरे हादसे में ट्रक ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है। TV1 India News के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। सड़क निर्माण के लिए काली पट्टी बांधकर लोगों ने प्रदर्शन किया। धरने के तीसरे दिन भी कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा और प्रशासन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार की आवागमन नहीं हुई। क्षेत्र तुमकही राज के देव पोखर चौराहे पर फाजिल नगर तुर्क पट्टी सड़क निर्माण के लिए शुरू हुआ धरना तीसरा दिन भी जारी रहा जिसमें आंदोलनकारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। हरिलाल यादव ने कहा कि आज धरने का तीसरा दिन है और कोई भी अधिकारी धरना स्थल पर नहीं आया है। साथ ही मनोज सिंह ने कहा कि सड़क का निर्माण शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने को इमरान खुर्शीद व मनोज तिवारी, नंदलाल विद्रोही, ग्राम प्रधान चंद्रकेत सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया। इसके लिए आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन और सरकार उसको कहते हैं कि जनता एक बार आवाज लगाए कि शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधि नंगे पैर दौड़ते हुए आए। यदि वो दौड़ते नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको सजा
टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार चौधरी की रिपोर्ट, तमकोहिराज, कुशीनगर। यहाँ पर जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहाँ पर लुटेरों के पास से चोरी की मूर्तियाँ बरामद की गई। आपको बता दें कि सूबे की योगी सरकार में चोर पुलिस के हाथ खेल रहे थे, आंख मिचौली का खेल, जिसके चलते जालौन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहाँ पर पुलिस ने बेस कीमती मूर्तियाँ बरामद की है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मरगाया के राम जानकी मंदिर से चोरी की गई मूर्तियों के साथ साथ पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ साथ मूर्तियाँ भी बरामद की हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद द्वापर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सातिर आरोपियों ने मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसी तरह से सातिर किस्म की आरोपी के खिलाफ थानों में विभिन्न प्रकार के मुकदमे भी दर्ज हैं। कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मरगाया में स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर से 31 मई की रात को बेस कीमती मूर्तियां चोरी हो गई थी। इस घटना का मुकदमा मंदिर के पुजारी संतराम पुत्र बजरंग निवासी मरगाया थाना कदौरा ने दर्ज कराया था, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने पुलिस टीम का गठन किया था। थाना पुलिस ने 20 दिन बाद मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर कदौरा थाना ग्राम इकौना दानी बाबा मंदिर के पास से जंगल में दबिश देकर मूर्ति चोर रमेश उर्फ राम सिंह बाबा पुत्र शिव शंकर चौहान नुनिया निवासी ग्राम पतारा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद द्वापर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए साथी चोरों ने चोरी की गई लक्ष्मण मूर्ति के हाथ व पैर काट दिए। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया मूर्ति चोर सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। मूर्ति चोर को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक कामता प्रसाद, दरोगा मुकेश कुमार, विनोद कुमार, संजय सिंह, हीरा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सामने आया था क्या थी पूरी घटना, कैसे हुआ था? इन पर जालौन के थाना कदौरा के अंतर्गत मगराया गाँव में राम जानकी मंदिर से 3 मूर्तियाँ चोरी हुई थी, जिसको आज कदौरा पुलिस के द्वारा बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। इन सातिर लुटेरों को पिछले 7-8 दिन से लगातार पीछा किया जा रहा था, लेकिन ये अपना लोकेशन बदल बदल करके जो भागते रहे, लेकिन आज कदौरा पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। मूर्तियां सर किस धातु से बनी हुई हैं? मूर्तियां अभी टेस्ट तो मेरे द्वारा नहीं कराया गया, लेकिन गांव के लोग इसे अष्ट धातु की कह रहे थे, लेकिन देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये पीतल की मूर्तियाँ हैं। पुलिस टीम को कोई सर रोजगार दिया जा रहा है? टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए 15,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। इन मूर्तियों कितनी कीमत होगी? इसको एक भैया, इसमें मूर्तियों की बरामदगी में रमेश नाम का गिरफ्तार किया गया, जो फतेहपुर का रहने वाला है। घटना के दिन वो यहाँ पर मंदिर पर आया था और यहाँ के एक साधु से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। कितनी मूर्ति चोरी हुई थी? 3 मूर्तियाँ चोरी हुई थी, जिसको तीनों को बरामद कर दिया गया। सर ये अष्टधातु बताई जा रही थी तो इसमें गांव के लोगों द्वारा अष्टधातु की मूर्ति बताई जा रही थी, जांच के उपरांत काफी प्राचीन मंदिर है, काफी मंदिर भी काफी प्राचीन है और इसके साथ गांजा भी बरामद हुआ है, ये साथ गांजा भी पीता था, इसलिए अपने साथ गांजा भी रखा हुआ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। संभल गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के असदपुर गांव निवासी जीराज का 18 वर्षीय बेटा नवनीत ईशमपुर जुनावई रोड पर पुलिस की तैयारी कर रहे रेस लगा रहा था। उसी समय ईशमपुर की तरफ से पत्थर भरे हुए ट्रक ने पीछे से उसे कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर भाग गया, जिसको लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जुनवाई के पास जाकर पकड़ लिया गया, जबकि ट्रक चालक भागने में सफल हो गया है और परिचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि राजस्थान से पत्थर भर के असदपुर गंगा घाट पर जाने वाले रोड पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, उसी रोड पर ट्रक जा रहा था। वहीं युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गुन्नौर सीओ अशोक कुमार पुलिस वालों के साथ गुस्साए लोगों को समझाया और जाम खुलवाया। वहीं पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ने इसी वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी और वो पुलिस की तैयारी कर रहा था। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। क्या नाम है आप बताएंगे? मेरा नाम जीराज भैया। आपका बेटे का क्या नाम था? मेरे भैया को नवनीत नाम है। तो बेटा जो है आपकी कौन सी क्लास में पढ़ा था? भैया आपका हाई स्कूल पास है।
अच्छा, क्या आपने बेटो क्या बनाना चाह रहे थे? फौजी बनाना चाह रहा भैया, मेरे रोज ड्रेस लगा दो भैया। अच्छा, जो भैया तो रोज ड्रेस लगा दिया भैया। कितने बेटे हैं आपके? वो पे दो है। दूसरा बेटा क्या करे? इसने देखा सोचो भैया को जो भैया बीमार हो। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। जालौन उरई में एक बार फिर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे चलते 11,000 लाइन की चपेट में आ जाने से आधा दर्जन से अधिक गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए लापरवाही बिजली विभाग की या फिर गौर अच्छा के नाम पर सरकार से पैसा ऐठने वाले लोग, सत्ताधारी या फिर प्रशासन लोग, गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि सरकार में योगी आदित्य जी नाथ ने गाँव में हर जगह हर एक और गाँव में गौशाला का प्रावधान भी किया, तब भी गाय सुरक्षित नहीं है। आए दिन वो भूख से मर रही हैं या फिर बिजली विभाग की लापरवाही से उनकी मौत हो रही है। वहीं दूसरी ओर सिलसिलेवार तरीके से हो रही गाय की मौत पर सूबे की योगी सरकार में गौशाला के नाम पर लोग अपना पेट भर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारी एवं गौ रक्षा के लोग, नाम पर धन उगाही करने वाले लोग, दोषी लोगों पर शासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन उरई।